बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने का ऐलान किया गया है। बीकानेर मंडल रेलवे प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ रेल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि 23 केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा और इसमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से भी बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने पेंशन स्कीम में कम से कम 20 साल की सरकारी नौकरी करने वालों को ही पेंशन मिल पाती थी, जबकि इस नए स्कीम में 10 साल तक की नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की मौत हो जाने पर इस पेंशन की 60% राशि परिवार को दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो यूपीएस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना और ये जानकारी हमारे एम्प्लॉइज और लोगों में, बीकानेर के लोगों में और हमारे मंडल के जिलों में पहुंचाना कि जो यूपीएस स्कीम अनाउंस हुई है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। विस्तृत हम लोग की अभी इनिशियल डिस्कशन ही हुए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल हमारी यूनियन मीटिंग्स में होंगे एक्सचेंजेस, बट अभी तक जो बेयर मिनिमम हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमें तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अपनी यूनियंस की तरफ से। की फीचर्स को आप रेखांकित कर रहे हैं यूनियन से बातचीत में या आम जन को भी बता रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एक जो एक संशय का विषय था एनपीएस में कि एक कंफर्म्ड लोगों को एक पेंशन में पे आउट नहीं मिल रहा था, तो इस यूपीएस में इसका ध्यान रखा गया है और कर्मचारियों को एक कंफर्म्ड जो है एक पेंशन आपको मिलेगी जिसकी एक कंफर्मिटी होगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली उसके आगे रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन को रिस्क